मेघालय के रिटायर्ड डीजीपी आर अवस्थी ने एनडीपीएस एक्ट में सुधार करने की बात पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में हर हालत में पुलिस कानून व्यवस्था को बरकरार रखेगी और इसके लिए एनडीपीएस एक्ट में कुछ तब्दीलियों की सख्त जरूरत है, जिसके तहत राज्य में बढ़ रहे जुर्म और नशे की वारदातों से सख्ती से निपटा जाएगा और युवाओं को ड्रग्स की दुनिया से दूर रखने के लिए अलर्ट किया जाएगा। डीजीपी ने कहा कि गारो हिल्स में आतंकवादी गुटों की बढ़ रही संख्या को रोककर कानून व्यवस्था के हालात बिगड़ने नहीं दिए जाएंगे। गारो हिल्स में कुछ आतंकवादियों ने हथियारों समेत पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। उनके पुनर्वास को लेकर डीजीपी ने कहा कि उनकी सभी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी और उनको आम जीवन जीने के लिए हर सहायता दी जाएगी। Been somehow, you know, lot of militancy is in these some certain parts of Nagaland and Manipur, because those are end states, you know, so far as our borders are concerned. And we have havens, there are reports, but of those elements, there is not much movement. साल 2020 से इम्फाल शहर एक नए रूप में नजर आएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के पैसों से बनने जा रहा 47.90 किलोमीटर लंबा इम्फाल रिंग रोड शहर को भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाएगा। रिंग रोड के निर्माण में खर्च होने वाले 1108 करोड़ रुपयों के लिए राज्य सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से संपर्क साधा है और इसमें से 20% खर्च राज्य सरकार और वित्त मंत्रालय के तहत अर्थशास्त्र विभाग साझा करेगा। न्यूज 18 असम नॉर्थ ईस्ट से बात करते हुए एशियन डेवलपमेंट बैंक के राज्य परियोजना समन्वयक युमनाम जय कुमार सिंह ने कहा कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और राशि जारी करवाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक में दाखिल की जा चुकी है। And in 2015, we finalized the detailed project report and we got the approval of ADB to fund the project. Unfortunately, during that time, there was some issues raised by some inhabitants along the proposed alignment, which they had complained straight to the president of the ADB. And because of those issues, ADB had to slow down the project. But as of now, the DPR is the total cost is around 1,108 crores. बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपना त्रिपुरा दौरा समेटते हुए रविवार को मीडिया के समक्ष यह घोषणा की कि आगामी लोकसभा चुनाव बीजेपी हिंदुत्व विचारधारा के साथ लड़ेगी। अगरतला में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में बीजेपी सरकार को एक और मौका मिलना चाहिए। उन्होंने अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 4.5 सालों में जो बीजेपी सरकार ने किया वह ऐतिहासिक था। स्वामी ने कहा कि अगर बीजेपी को एक और मौका मिलता है तो वे अधूरे कार्यों को भी पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि वे पूर्व वित्त मंत्री को भी जेल भेजेंगे। कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाता है लेकिन अपने आरोपों को सिद्ध करने कोर्ट में नहीं जाता। स्वामी ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में त्रिपुरा तरक्की करेगा। इधर मोदी सरकार के खिलाफ राफेल घोटाले के आरोपों पर स्वामी ने कोई जवाब नहीं दिया। इतना कहा कि कांग्रेस अपने झूठ से मोदी सरकार को बदनाम कर रही है। आप जाकर प्रचार करिए कि एक और टर्म बीजेपी को देना चाहिए ताकि जो अधूरा काम है वो पूरा कर सकेंगे। ये जरूर है कि पहली बार इतिहास में हमने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बेल में खड़ा कर दिया है और चिदंबरम को अभी तिहाड़ भेजने वाले हैं। एक भी हमारे देश में हुआ नहीं। ये पहली बार है कि कोई आरोप ये हमारे सरकार के खिलाफ सिद्ध नहीं कर पाए। पहाड़ी की चोटी पर स्थित पेमायांगस्ते सिक्किम का एक प्रमुख मठ है जहां से कंचनजंगा पर्वत शिखर का मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। इसी के अधीन नाइंगमा मठ है। ये दोनों मठ बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पेमायांगस्ते मठ का निर्माण सन 1705 में
तीसरे चोग्याल चादो नामग्याल के शासनकाल में उस जगह हुआ था जहां पहले लहातसुन चेनपो ने एक छोटी सी मंदिर बनाई थी। इस मठ में 108 बौद्ध भिक्षु है और परंपरानुसार यह बौद्ध भिक्षु सिक्किम के भूटिया परिवारों से है। सिक्किम में आज कम से कम 200 बौद्ध मठ है। यहाँ राज्य के कोने कोने में बौद्ध धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। तमाई से मोनेस्ट्री एक सिक्किम का पुराना और बड़ा और ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट मोनेस्ट्री माना जाता है अभी जो वर्ल्ड में, और जितने भी वर्ल्ड में बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म सबको पता है कि सिक्किम में एक तमाइंग से मोनेस्ट्री है कि सिक्किम का बुद्धिज्म का लीड करती है। तो इसी तरह से पेमाइंग से मोनेस्ट्री थोड़ा फेमस हो गया, और ये मोनेस्ट्री बहुत पुराना इसलिए कि 1647 में बनाया गया था।